हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। देखिए, पट्टी वाला गला बना रहे हैं और पट्टी वाला गला बनाने के लिए पट्टी हमने स्टिच किया हुआ है, डिजाइन वाला, एक लाइन वाला, और इसके ऐसे ही सलवार है। तो ये पट्टी वाला गला बनाने के लिए हम पहले इस पे से क्रीज कर लेंगे पूरा, और जो इसकी लंबाई होनी चाहिए ये कंधे से और यहाँ तक। वैसे लंबा भी आप बना सकते हैं, आप पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो अच्छा लगता है 16 या 17 पे रख सकते हैं आप। इसकी यहाँ से लंबाई लीजिए 16-17 के लिए पूरा, यहां से ये पूरा ये नाप लेंगे पूरा 16-17 रख सकते हैं आप। ऊपर कंधे से रख लेंगे पूरा यहां तक। और इसको पलट लेंगे और हम इस जो हमने निशान लगाया इसको डार्क कर लेंगे ऊपर सीधे साइड में ऐसे। अब जो है यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे, अटैच करेंगे ऊपर से यहाँ तक। हम इसमें नीचे कोई भी शेप दे सकते हैं, चौकोर, गोल, जो यू, और ये बीचों बीच में रख लेंगे इस पट्टी का, ऐसे हाफ ले लेंगे हम। देखिए यहाँ का हाफ ले लेंगे और मोड़ने तक का एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर, और इतना गले में ले लेंगे। और जो पट्टी है हम गले में रख सकते हैं इसको। बिल्कुल बीचों बीच लीजिए और इस पे कच्ची सिलाई।
और यहाँ से जो ये लंबाई मैंने बताई है आप लोगों को, ये वाली, ये अपने हिसाब से रखिए। जैसे कि जिसकी हाइट कम है उसको, जैसे मैंने ये फुल स्टैंडर्ड नाप है ये वाला जो मैं लगा रही हूँ, तो मैंने इसलिए 17 रखा है। और आप अगर हाइट छोटी हो, 4 फुट हो, 3.5 फुट हो, तो उसको कंधे से लेकर कमर तक 12 या 11.5 रख सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल पेट से नीचे चला जाएगा ये वाला। तो इसलिए आप अपने हाइट के हिसाब से इसकी लंबाई रखिए। और ये फोम बटन बनाने के लिए मैं अपने इस गले की डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं फोम कैसे बनता है ये वाला बटन। तो इस तरीके से आप इस, ये मेरा गला कंप्लीट हुआ। तो ये गला आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।